नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे BPCL के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक पे आया है ढेर सारा सवाल। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स पे सवाल आए हैं, मैं एक एक करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात मैं BPCL की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और कारण उसके कई हैं। सबसे पहले तो एक सरकारी कंपनी है तो सेफ्टी की गारंटी होती है। दूसरा, ये कंपनी लेकर आई दो बड़े बड़े डिविडेंड, और यहाँ पर आपको एक बार ये कंपनी 58 रुपये का डिविडेंड दी, अभी रिसेंटली इसी कंपनी ने आपको 5 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। और ये जो दोनों डिविडेंड मिले ये पिछले कुछ समय में ही मिले, तो कुछ लोग इस डिविडेंड के चक्कर में कंपनी में घुस गए, खासकर इस 58 रुपये के डिविडेंड के लिए, जो कि मोर देन 10%, टू बी प्रिसाइज 12% के आसपास का डिविडेंड था। इसके चक्कर में लोग घुसे इसमें और वहाँ से उनको पड़ रही है भयंकर मार। एज एन इन्वेस्टर आपको जब डिविडेंड मिलता है तो खुशी तो मिलती है, लेकिन जब आपका स्टॉक गिरता है तो वो खुशी गायब हो जाती है। अब सवाल ये कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, तो उसका 3-4 बड़ा कारण है। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कारण है BPCL के गिरने का, जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए मायने रखता है, वह है इसका प्राइवेटाइजेशन का जो रास्ता है उसमें रोड़े आना। और ये है मेरे हिसाब से BPCL को मतलब सबसे बड़ा रोड़ा मेरे हिसाब से यही है। दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा ये है क्रूड ऑयल। आप ब्रेंट क्रूड का जाकर के प्राइस देखिए, $100 के पार निकलेगा तो कहाँ से इन लोगों को अपना मार्जिन मेंटेन करने का मौका मिलेगा। इसी में आप तीसरा कारण जोड़ सकते हो, जो चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, उस कारण सरकार की तरफ से प्रेशर होता है। भले कंपनियाँ कह दें, भले सरकार कह दें कि नहीं भाई क्रूड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन आप जा कर के देखोगे तो कई दिनों से पेट्रोल प्राइजेस डीजल प्राइजेस चेंज नहीं हुए हैं और अचानक से ये चेंज होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग टंकी फुल कराने पे विश्वास करते हैं अपने गाड़ियों की, वो जा कर के फुल करवा लें चुनाव से पहले, नहीं तो दाम बढ़ जाएगा। खैर, ये था सस्ता नशा। इससे मैं आपको जो पैसे बचाने की सलाह दिया हूँ उसको मजाक के तौर पर लीजिएगा, लेकिन जिनको बचाना है वो बचा भी सकते हैं। एक अच्छा सा फील तो आ जाता है, चलो यार कल भराते तो इतना सस्ता मिल जाता, आज भरा रहे हैं महंगा मिल रहा है। और जब हम भरा लेते हैं तो कहते हैं कि देखो यार सस्ता हमने भरा लिया था। मैं बात करूंगा रिजल्ट पे। तो आपके लिए तीसरा कारण क्या हो गया क्रूड का, दूसरा कारण क्या हो गया, पहला कारण क्या हो गया वो मैंने आपको समझाया, तीसरा कारण चुनाव का था, ठीक। अब चौथा कारण क्या है, चौथा कारण है रिजल्ट। और रिजल्ट से हम उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि रिजल्ट ठीक ठाक आए, तभी तो कोई कंपनी को शेयर होल्डर्स खरीदने आएंगे। जो ऊपर की तीनों चीज़ें हैं वहाँ पर हमारा कोई बस नहीं कि हम उन पे उन इवेंट्स पे कोई कंट्रोल कर सकें, लेकिन रिजल्ट को देख करके हम ज़रूर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको बताएंगे कि डिविडेंड के ऊपर जो लोग सवाल पूछे उनको बता दूँ कि मेरे पास जो शेयर्स हैं उनका डिविडेंड 5 रुपये का मेरे पास आ चुका है TDS कट करके। अगर आप रिकॉर्ड डेट जो कि 11 फरवरी थी, यहाँ पर इनके शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किए होगे तो आई होप आपका भी डिविडेंड आ गया होगा। जिनका आ गया है वो ज़रा सा कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि डिविडेंड नहीं आया है। 58 रुपये वाले डिविडेंड से पहले जिन लोगों ने खरीदा था उनका भी डिविडेंड आ ही गया होगा। तो इस बार इस कंपनी ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, क्योंकि एक महीने पहले ही रिजल्ट आया था और इन्होंने डिविडेंड भी काफ़ी समय रहते क्रेडिट कर दिया। डिविडेंड शायद 24 तारीख को आ गया था, 24-25 में आया था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सोचिए 11 तारीख रिकॉर्ड डेट और उसके विद इन 15 दिन के अंदर आपको डिविडेंड मिल जा रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे इनके रिजल्ट की। उससे पहले बता दें कि क्रूड से ये कंपनी अपने मार्जिन्स नहीं मेंटेन कर पाती है, सरकार के प्रेशर से कंपनी मार्जिन नहीं मेंटेन कर पाती है, और भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ती है क्रूड के अराउंड, ठीक है। अब आप देखिए गोल्ड का प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगता है, लोग फालतू में मतलब एक अलग ही लेवल का पैनिक चला जाता है, जबकि असलियत में उसका लेना देना कुछ भी नहीं होता है। BPCL टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कर रहा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मुझे यहाँ तक लगता है RSI एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसके अलावा तो कोई यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल मतलब रिसेंट डेज में तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, और अगर दिया है बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, ठीक। बात करेंगे थोड़ा सा और टेक्निकल चार्ट्स पे, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। अब रिजल्ट मैं देखने आया हूँ, इसका मतलब क्या है कि हम सब शेयर होल्डर बनना चाहते हैं या बने हुए हैं कंपनी के, ठीक। एक फुल फॉर्म बताऊं, भाई पैसा छीन लिया, ये है BPCL का फुल फॉर्म, BPCL भाई पैसा छीन लिया। अब ये है एक शेयर होल्डर की क्रिएटिविटी। खैर, बात करते हैं रिजल्ट की, उसके बाद थोड़ा सा और बात करने में मजा आएगा। अभी देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर अगर आप देखोगे और ये डेटा करोड़ में है, तो 1,17,702 करोड़ रुपये ये कंपनी
इनकम करती है ऑपरेशन से, मतलब जो ये काम करते हैं, यहाँ से बढ़ाना रेवेन्यू, यहाँ से बढ़ाना रेवेन्यू, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी अपना रेवेन्यू अगर बढ़ा ले रही है इससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है। खर्चा क्या अंडर कंट्रोल है? नहीं है, और ये है अच्छी मतलब बुरी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 44,000 करोड़ का इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो कि यहाँ पर मात्र 37,000 करोड़ था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब जो इनका सामान का खर्चा होता है, जो ये खरीदते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मात्र 20,000 करोड़ का कंपनी ने खरीदा था। ठीक, अब जो स्टॉक्स ये बाइंग सेलिंग करते हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी इनको मतलब रकम देनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 39,000 करोड़, 30,000 करोड़, 34,000 करोड़, अकॉर्डिंगली ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करती रहती है कंपनी। जो आपको सबसे मेन यहाँ पर देखना है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा। ठीक है, चीज़ें मतलब होता है ना कि जब हम ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक, अब एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने क्या खर्च किया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सरकारी कंपनी है, लेकिन ठीक है एम्प्लॉयज़ को हटा ही देते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ को अगर कहेंगे कि कंपनी ने आकर के ज़्यादा खर्चा कर दिया इसलिए अच्छी है, तो ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ पर सबको ठीक ठाक मिलता है। एक PSU है तो PSU में इंजॉय करते हैं एम्प्लॉयज़, वर्क प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन अब तो चीज़ें बदल रही हैं। ठीक, एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर दबा करके देनी पड़ती है, और इस बार थोड़ा सा अंडर कंट्रोल था पिछली बार से, लेकिन ठीक है। ओवरऑल देखिए खर्चा, देखिए 117,000 करोड़ की कमाई, 114,000 करोड़ का खर्चा, 98,000 करोड़ का खर्चा, 83,000 करोड़ का खर्चा, मतलब इनकम तो बढ़ गई लेकिन खर्चा उस रेशियो से ज़्यादा ही बढ़ गया, और ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा अच्छे से बढ़े और खर्चा थोड़ा सा कम रेशियो में बढ़े तो उसको बेस्ट माना जाता है, लेकिन आप अगर इसको ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा हाँ यार चलो कंपनी प्रॉफिट तो कमाई है, लेकिन कहानी अलग है, क्योंकि जस्ट पिछले क्वार्टर से आपकी इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, रेवेन्यू आपका बढ़ा था ऑपरेशन से, लेकिन आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए प्रॉफिट्स में। आप यहाँ पर देखिए 3,663 करोड़ के मुकाबले 3,719 करोड़ रुपये कंपनी जुटा पाई एज अ प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो एक शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से हम पूरी कहानी समझ लेंगे ना कि अब है क्या हमारे लिए। आ जाओ थोड़ा सा नीचे, ये है ओनर्स ऑफ दी कंपनी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये ओनर्स ऑफ दी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो 2,805 करोड़, 3,200 करोड़ के मुकाबले 1,565 करोड़ यहाँ पर था। यहाँ पर चीज़ें मतलब नहीं आई हैं फेवर में, और इसीलिए मैंने कहा ना कि जो रिज़ल्ट है, ठीक, जो रिज़ल्ट है वो उतना मतलब बुरा नहीं कह सकते लेकिन अच्छा भी नहीं है। इसको हम EPS के टर्म्स में थोड़ा सा तौलेंगे। ठीक, EPS में जब आप आकर के देखोगे तो 13 रुपये 17 पैसे ये कंपनी एक शेयर पे कमाई है, एक शेयर होल्डर के लिए कमाई है 13 रुपये एक क्वार्टर में, बड़ी बात है। एक ऐसी कंपनी जो आपको 350 रुपये में कैश मार्केट में अवेलेबल है, सोच करके देखिए बहुत पैसे कंपनी कमा रही है, गिरने के बाद प्रॉफिट तब तब यह हाल है। 15 रुपये पिछले क्वार्टर में बहुत ओवरवेलमिंग रिजल्ट था कमाल का, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम था, यहाँ पर 8 रुपये था। यहाँ के कंपैरिजन में ग्रोथ है, लेकिन वहाँ से कंपैरिजन करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी बहुत अलग अलग डेंट झेल रही थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 13 रुपये पे इनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो लगेगा यार बड़ी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। एक मिनट हम प्राइस देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। BPCL का प्राइस है 336 रुपये, करंट मार्केट कंडीशन में बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेट से कि अगले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट्स कमाती है 13×54, 53 रुपये कमा लेगी अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब 53 रुपये कंपनी कमाएगी, 336/53 कितना आएगा देख लीजिए। ये है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल BPCL। भाई पैसा छीन लिया, कहाँ छीन लिया यार, आपको इतने सस्ते में कंपनी मिल रही है। आप शेयर्स को देखिए, आपके पास शेयर्स कितने हैं। हाँ, जो प्राइस है वो बढ़ेगा तभी आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा पाओगे, लेकिन अब लॉन्ग रन की बात करेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करेंगे जो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देंगी। उन पॉजिटिव बातों को करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो लाइक कर लीजिए अगर पसंद आती है तो, और फिर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, क्योंकि भरोसा बड़ी चीज़ है, कंपनी को रखा कौन कौन है, 13-14% म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ, और ये AMCs हैं। AMCs में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जो करोड़ों की सैलरी लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और वहाँ पर ये कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है उनमें से 13% शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास हैं।
और ये बड़ी बात है। इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें LIC आती है, प्राइवेट कंपनी आती हैं, उनके पास भी 7.5% के आसपास शेयर्स हैं, FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं 12-12.5% के आसपास, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 12.5% हैं, DIIs 1% के आसपास हैं, प्रोमोटर यानी कि सरकार के पास यहाँ पर 53% की हिस्सेदारी है, ठीक, 53% सरकार के पास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियाँ, FIIs। अब आप अगर बड़े प्लेयर्स को जोड़ लो तो 12-12-24-25 यहाँ पर 25-5-30-30-50-80 ऑलमोस्ट 85% शेयर्स किसके पास हैं, उन बड़े लोगों के पास जिनके पास अच्छी खासी समझ है कंपनियों को चलाने की, ठीक है। अब सरकार का हिस्सा अगर आप निकाल लोगे जो कि प्रमोटर है तो भी अप्रॉक्सीमेटली 30-32% बड़े प्लेयर्स के पास है जो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को अपने पास रखना चाहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनका रखा हुआ हर एक स्टॉक नहीं चलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा अलग कहानी समझते हैं। कहानी क्या कि क्या BPCL अभी ख़रीदना चाहिए और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं बात करूँगा उनकी जिनके पास पहले से है, जो आकर के बार बार कह रहे हैं भाई पैसा छीन लिया। तो जो लोग 58 रुपये का डिविडेंड प्राप्त किए हैं, जो लोग प्लस 5 रुपये का डिविडेंड प्राप्त किए हैं उनको 58-63-63 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मैं मान लेता हूँ आपने ये कंपनी 600 रुपये खरीदी है, 600 रुपये खरीदी है, 600 रुपये खरीदी है, 10% का डिविडेंड आपके पास क्रेडिटेड है, 10% आपका रिस्क हट गया, ठीक, अगर आपने पहले खरीदा हो तो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मोर देन उससे आपको डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है, 63 रुपये बहुत होता है, ठीक। अब अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे खरीदे हो तो मैं आपको एक चीज़ अश्योर यहाँ पर ज़रूर कर सकता हूँ कि सरकार जिस हिसाब से इनको लेकर के मतलब आगे बढ़ रही है, वहाँ पर इस कंपनी को सरकार प्राइवेट करना चाहती है, डीले हो सकता है, देर होगी, अंधेर नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने मेरे पास, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे, 450 रुपये इसको आँख बंद करके खरीदने की सलाह दी थी, ठीक है। तो अब तो ये आपको 350 के नीचे मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं खरीदोगे। ये हो गई बात वैल्यूएशन के टर्म्स में, ये हो गई बात प्राइवेटाइजेशन के टर्म्स में, यानी कि आप एक बढ़िया वाली कंपनी रखे हो पॉजिटिव, जो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है, वैल्यू फॉर मनी स्टॉक के तौर पे आप इसको रख सकते हो, क्योंकि आपको ये कंपनी एक शेयर होल्डर के लिए बढ़िया वाली कमाई करके देने वाली कंपनी है, ठीक है। जिस सेगमेंट में वो डील करते हैं वहाँ पर प्रॉफिट रुक जाना, ये समझ लीजिए देश रुक जाने के बराबर होगा, मतलब आपकी जो बेट है वो ख़राब नहीं होने वाली। दूसरी चीज़, जिन्होंने मात्र 5 रुपये का डिविडेंड प्राप्त किया है, अभी रिसेंट डेज में खरीदे हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा डेंट पड़ रहा होगा, और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, एक ट्रेडर के तौर पे अगर आप स्टॉक, कोई भी हो, एक ट्रेडर के तौर पे स्टॉक खरीद रहा है कोई बंदा, 3-5% की गिरावट में आप ज़रूर ये चेक कर लो कि क्या मुझे यहाँ पर बने रहना चाहिए या नहीं। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं कहता हूँ कम से कम आपको 3-5 क्वार्टर उस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए और आपने क्या सोचकर खरीदा। और एक चीज़ याद रखना, जब आप कोई कंपनी वैल्यू देख करके खरीदते हो ना, तो वहाँ पर आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है ही नहीं। अब ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि ये डिविडेंड बांट रही है, एक साल के अंदर 60-62-63 रुपये जो कंपनी बांट दे वो ग्रोथ पे बिल्कुल ही फोकस नहीं रखती, ये तो आपको पता है। अब एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक ट्रेडर के नाते अगर आप यहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, आपको लग रहा है मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से इस स्टॉक को ख़रीदा था लेकिन एंगल ही चेंज हो गया, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास सच में पैसे की किल्लत पड़ी हो तभी इस स्टॉक को बेचना, अदरवाइज ये स्टॉक अपने पास वैल्यू रखता है और आपको लॉन्ग रन में परफॉर्म करके देगा। टेक्निकल सलाह आपको मिल जाएगी उस वाली वीडियो से जो मैंने आपको सेटअप के रूप में प्रोवाइड किया था पिछले संडे को। बाइंग की अपॉर्चुनिटी जैसे ही आएगी वहां पर आपको पता चल जाएगा, उसको देख करके आप खरीद सकते हो। प्लस एक बात मैं आपसे जाते जाते कहूंगा, इन्वेस्टिंग के लिहाज से पूरे स्टॉक मार्केट में अगर मुझे किसी एक स्टॉक पर अभी आंख बंद करके भरोसा करके बेट कर देना हो तो मैं इसी स्टॉक को चूज़ करूंगा, क्योंकि यहां पर हमको डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड मिल रहा है लेकिन अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई है। एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ याद रखना कि जैसे ही सरकार अपना मतलब यहाँ पर जो बोझ इनके ऊपर रखी है भाई दाम मत बढ़ाओ उसको हटाएगी तो एक पॉजिटिव फैक्टर वो आएगा सामने। रसिया यूक्रेन में जो तनातनी चल रही है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, युद्ध हो रहा है, वहाँ पर कुछ मतलब ढिलाई होगी तो उसका भी एडवांटेज हम ही लोगों को मिलने वाला है। आने वाले समय में कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद आकर के कहा है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया होने जा रही है, तो इस पर भी आप अगर भरोसा करते हो तो भी आपको शेयर्स खरीदने चाहिए। डिस्क्लेमर ये है दोस्त कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में बहुत डिविडेंड दिया BPCL ने, तो मैं तो यार बेचने का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ साल होल्ड कर जाओगे ना शेयर्स, तो कंपनी आपको इतना डिविडेंड दे देगी कि आप बेचने के बारे में तो नहीं ही सोचोगे। हाँ, एक चीज़ तकलीफ़ ज़रूर देती है कि कई साल पहले जिस रेट पर ख़रीदा, काफ़ी क्वार्टर्स पहले जिस रेट पर ख़रीदा
उसके भी नीचे अगर अवेलेबल स्टॉक मिलता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी वही बात मैं आपसे रिपीट करके कहूँगा कि आपने इस स्टॉक को ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए नहीं खरीदा था, अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए खरीदा था, तो उसी हिसाब से उसी एंगल से सोचिएगा। बाकी जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। रिजल्ट के हिसाब से कंपनी अभी जहाँ पर खड़ी है लेना बनता है, क्योंकि जितना रिजल्ट गिरना चाहिए था, अन्य एक्सटर्नल फैक्टर से गिरना चाहिए था, उतना गिर चुकी है कंपनी। और गिरती है तो वो डायरेक्ट मार्केट से लिंकिंग होगी, मार्केट गिरेगी तो स्टॉक को गिरना ही पड़ता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहाँ पर सेलिंग करते हैं और वो सेलिंग इनडायरेक्ट वे में इस स्टॉक पे भी आएगी, ये तो आप जानते ही हो। अकॉर्डिंगली अरेंज करना है आपको। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास शेयर्स हैं तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इस स्टॉक के प्रति झुकाव रखता हूँ, तो थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। जिन लोगों ने पहले पैसा लगा कर रखा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर के तौर पे जरूर अपनी पोजीशन को विजिट कीजिए, चेक कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप जो गलती एक बार करते हो उसको दोबारा अगर कर रहे हो तो आप बिल्कुल अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हो, और ये लॉन्ग रन में आप ही को नुकसान पहुँचाएगी चीज़। ठीक है, जब मुझे पहुँचाई तो आपको भी पहुँचाएगी ही। राही हमारा नाम है, सुधरना हमारा काम है। अभी विदा ले रहे हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।